अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। गो के चैप्टर नंबर हमारा 6, जो जिसका नाम था सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये जो टॉपिक है ये फुल फ्लेज आपकी बुक में नहीं है, ना सिलेबस में है, चूंकि हमने इस टॉपिक को बारहा डिस्कस किया है आपके उन टॉपिक्स में जो आपके स्मार्ट सिलेबस में थे। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चले कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनको अपडेट करना क्यों ज़रूरी होता है, और हमें ये क्यों रजिस्टर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी टाइप का सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस को ना सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उसको रिमूव भी कर देते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको पता है कि वायरस इंटरनेट का वायरसेस का मौजूद होना इंटरनेट पे ये एक आम सी बात है आजकल के दौर में। और वो जो वायरस होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं और वो मुख्तलिफ टाइप्स के जो वायरसेस होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को डैमेज करते हैं, खसूसन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम में। वो ऑपरेटिंग सिस्टम की अहम फाइलों को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो आपके अहम डाटा की फाइलों को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड भी स्लो कर सकते हैं। तो उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं और हमने चैप्टर्स में पढ़े भी थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या होते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सिस्टम पर। तो इसलिए उनके लिए जो डॉक्टर है या मसीहा है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमें हर वक्त अपने सिस्टम में इस एंटीवायरस कोई ना कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना चाहिए। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में उस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिस तरह के वायरसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में हों। होता क्या है कि बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में एक वायरसेस की पूरी लिस्ट होती है, जो बड़े कॉमन वायरसेस होते हैं और मशहूर वायरसेस होते हैं उनकी लिस्ट होती है। तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहीं से भी कोई भी वायरस अगर एंटर हो जाता है और वो वायरस आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की लिस्ट में होगा तो वो इजीली न सिर्फ डिटेक्ट किया जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के जरिए बल्कि उसको डिटेक्ट करके रिमूव भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारा जो कंप्यूटर सिस्टम का सॉफ्टवेयर रिलेटेड नुकसान है उससे बच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये डाटा की प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं इन टर्म्स ऑफ वायरसेस। तो बहुत सारे एंटीवायरसेस प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में या इंटरनेट पे, लेकिन कोई एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है जो तमाम वायरसेस को डिटेक्ट भी कर सके और उनको रिमूव भी कर सके। तो आजकल बहुत सारे न्यू वायरसेस हर 2 घंटे बाद, हर 5 घंटे बाद उनमें वायरसेस का इजाफा हो रहा होता है नेट में, जिसकी वजह से हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स चाहिए होती हैं। और उसके लिए क्या होता है कि हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना बड़ा ज़रूरी होता है। अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि एक ख़ास हद तक जो लिस्ट होती है एंटीवायरस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर वायरसेस की लिस्ट होती है जो कॉमन होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं। तो इसके अलावा लिस्ट तो होती ही है, लेकिन चूंकि हमें यह भी मालूम है कि हर 2 या 3 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं, नए इन्वेंट हो रहे होते हैं और वो मार्केट में आ रहे होते हैं और इंटरनेट पे होते हैं,
और वो किसी ना किसी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी एंटर हो सकते हैं। तो जाहिर है जब हम अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जो हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, अगर हम उसको अपडेट करते रहें, अपडेट करने का मतलब होता है कि जो नए वायरसेस इन्वेंट हो चुके होते हैं वो भी, उनको भी ये अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हर हफ्ते के बाद या हर 15 दिन के बाद अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जरूर अपडेट किया करें। इससे ये होता है कि जो नए वायरसेस होते हैं, जो रिसेंटली इंटरनेट पे अवेलेबल वायरस होते हैं या वो भेजे जाते हैं या वहां पर, तो वो जो वायरसेस होते हैं जो रिसेंटली इंटरनेट पर भेजे जाते हैं, उन वो वायरसेस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। और ऐड होने से आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड होता है और न्यू वायरसेस के आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे आपका जो डाटा होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आप मुतमईन हो जाते हैं कि कोई वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर नहीं होगा। वो शर्त यही है कि आप अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहा करें। तो कुछ एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स जो बहुत ज्यादा कॉमन हैं वो ये हैं, फर्ज करें ये नॉर्टन एंटीवायरसेस, सिमेंटिक एंटीवायरस, मैकैफे एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस और नॉर्ड 32 एंटीवायरस। ये जरा अगर आप लिस्ट देखें तो बेतहाशा एंटीवायरसेस इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो वो अपडेट इजीली होगा और अपडेशन से वो जितने भी नए वायरसेस होते हैं वो उसकी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इसमें पांडा भी एक है, एक एंटी वायरस होता है, एक वेब रूट भी है, इसके अलावा ट्रेंड भी है, वाइपर भी है, एफ सिक्योर भी है और इसके अलावा प्रोटोकॉल्स भी हैं और क्विक हील भी है और ये इस तरह के, ये आप इसके ज्यादा भी बहुत ज्यादा एंटीवायरस आपको इंटरनेट पर मिलेंगे जिनको आप इंस्टॉल करके अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायरसेस के। अब इन एंटीवायरसेस के बहुत सारे बेनिफिट्स या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का ये होता है कि ये हमारे इंपॉर्टेंट डाटा को जो हम अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह से उनको स्टोर करते हैं, चाहे वो पर्सनल डाटा हो, चाहे वो ऑफिशियल डाटा हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड भी डाटा हो और वो हमारे लिए बड़ा अहम डाटा है, उसकी प्रोटेक्शन होती है वायरसेस से और उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा एडवांटेज और फायदा होता है। सेकंड, ये वो सारी फाइल्स को चेक करता है, यानी जब दे एंटर कंप्यूटर सिस्टम, बिफोर दे एंटर कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए ये वायरसेस को सबको पहले देखता है, उसको चेक करता है कि कहीं है तो नहीं। मसलन आपके दोस्त के पास अगर एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, मसलन यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, और वो आपके कंप्यूटर में से कोई डाटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबसे पहले उस स्टोरेज डिवाइस में सारी फाइल्स को चेक करेगा। अगर उन फाइल्स में कहीं पे भी उसको अगर वायरस के मौजूदगी का इल्म हो जाए या खदशात हो जाए कि यहाँ पर वायरस है, तो ना वो सिर्फ उसको डिटेक्ट कर लेता है बल्कि उसको सिस्टम से रिमूव भी कर सकता है, कर देता है। और एट द एंड वो आपको ये मैसेज देता है कि अब आपका जो स्टोरेज है वो बिल्कुल स्टोरेज डिवाइस वो बिल्कुल क्लीन फ्रॉम वायरसेस है, यानी अब आप इस डाटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी फाइल में किसी तरह का भी कोई वायरस मौजूद नहीं है।
और थर्ड एंड लास्ट इसका जो बेनिफिट्स होता है वो ये होता है कि ये यूजर्स को अलर्ट कर देता है बिफोर इट कॉजेज एनी डैमेज टू कंप्यूटर। इसका ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर वायरस आपके कंप्यूटर में मौजूद हो और ये यूजर्स को अलर्ट कर देता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस की तशखीस हो चुकी है या उसकी अवेलेबिलिटी है, तो आपको वो मुतनब्बे कर देता है कि अब आप इस वायरस को डिटेक्ट करें और इसको सिस्टम से रिमूव करें। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इससे हमें मजीद नुकसान डेटा का होने से पता चल जाता है और हम एंटीवायरस के थ्रू हम इस डेटा वायरस को जो हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। गो के ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिलेबस का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन चूंकि हमने बहुत सारे इस चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिनमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी न किसी तरह से हमने इसको टॉपिक बनाया था और इस पर बात की थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरह अपडेट करना चाहिए, उसको इंस्टॉल क्यों करना चाहिए, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब मजीद आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी बुक ओपन कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको फोकस कीजिएगा। अगर उनमें कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उसके बारे में। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।